अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट लेके आया हूँ, जिससे कि आप घर बैठे डिफरेंट टास्क कंप्लीट करके अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दें। इससे ये होगा कि मेरी हर लेटेस्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आप सिंपली ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सिंपली आपने यहाँ रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है, रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह रजिस्ट्रेशन का एक ओपन होगा, फॉर्म ओपन होगा। आपने सिंपली यहाँ फर्स्ट पे अपना कंप्लीट नेम एंटर करना है, सेकंड ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करना है और कंफर्म ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। अगेन पासवर्ड यहाँ पे आपने क्रिएट करना है, एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा आपने यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पे इसको चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है तो यह आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने सिंपली इसको लॉग इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से आपने जो यूज़र नेम दिया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, नीचे पासवर्ड, और यहाँ पे आपने कैप्चा ये सॉल्व करना है, लिख देना है कैपिटल CCG4Y। ये कैप्चा आपने क्लिक के यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ सामने आपके यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ये देख सकते हैं ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अर्न मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट टास्क दे दिए गए हैं, दे जाते हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट में है व्यू एड्स, यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके सामने यहाँ पे एड शो हो जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डिफरेंट एड्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिनको आप कंप्लीट करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके सामने यहाँ पे एड्स की आपको जितनी अर्निंग होगी वो भी नीचे मेंशन हुई है कि आपको इस ऐड की कितनी अर्निंग होगी। आप ये डिफरेंट एड्स सारे कंप्लीट एड वॉच को करेंगे तो आपके एक दिन में काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको अपना पहले बैलेंस दिखा देता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा बैलेंस दे सकते हैं 0.00460, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ थ्री डॉट्स पे, मोर अर्निंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, व्यू एड्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐड वॉच करके बता देता हूँ कि आपने कैसे ऐड वॉच करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से आपने व्यू एडवर्टाइज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली व्यू एडवर्टाइज में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टास्क दे दिए जाते हैं, ठीक है।
तो आपने सिंपली यहाँ पे व्यू एडवर्टाइज पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी टाइमिंग, ऐड की टाइमिंग शो हो रही है, ठीक है। यहाँ आपकी ऐड की टाइमिंग शो हो रही है, यहाँ तक, यहाँ पर आपने ये ऐड को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस ऐप में, इस ऐड में इसी टाइम तक रहना जब तक यहाँ पे ऐड कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद आपके सामने एक कैप्चा आएगा, ये देखें ऐड कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें कैप्चा दे दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे कैप्चा में लिखा हुआ है, यहाँ आपने आप पढ़ने लेना है कैप्चा क्या दिया है, विच वन डज नॉट बिलोंग, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, किसकी शेप डिफरेंट है। तो सिंपली इसकी शेप डिफरेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो ये देखें यू हैव क्रेडिट हैज बीन ऐड, तो ऐड हो गए हैं। तो सिंपली हमने इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद इसी तरह आप यहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूं, हमारे ऐड 0.00460 थे। तो सिंपली अपने अकाउंट पे क्लिक करना, कि आपको बता देता हूं कि ये हमारा ऐड जो वॉच किया इसका बैलेंस हमारे अकाउंट में ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है 0.610 हो गए हैं। तो सिंपली आप इसी तरह इसमें एड्स को वॉच करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट टास्क लिस्ट दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश कैम का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट कैश कैम को भी ऐड को कंप्लीट करके वॉच करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐड बजर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड बजर के भी डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे फ्लिप द कॉइन पे क्लिक करके बता देता हूँ। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉइन का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपकी ये फ्लिप दी कॉइन का ऑप्शन जो है, यहाँ पे यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ से अर्निंग करनी है। तो इसको हमने फ्लिप दी कॉइन को हमने नहीं यूज़ करना। तो सिंपली आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गोल्डन ग्रिड्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये आपको डिफरेंट अर्निंग के मेथड यहाँ पे बता दिए गए, जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। गोल्डन ग्रिड के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको बैक कर देना है। अगेन इसी पे क्लिक करना है, गोल्डन ग्रिड पे क्लिक, ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रिड्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ग्रिड्स पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे कुछ देर टाइम वेट करना है, उसको बैक कर देना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड की टाइमिंग देखें आपको शो हो रही होगी, यहाँ पे ऐड की टाइमिंग हमें शो हो गई है, ठीक है। और इस ऐड की अर्निंग हमारे अकाउंट में ऐड हो दी गई है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे अकाउंट में ये क्रेडिट हो गया है। तो सिंपली आपने इसको बैक कर देना है। आप इस तरह इस ग्रिड, गोल्डन ग्रिड के ऑप्शन को भी यूज़ करके यहाँ से भी इसका अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं आपको इसी पे लेके आता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने PTSU का ऑप्शन है, ठीक है। आपके सामने PTSU का ऑप्शन है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टास्क, डिफरेंट एड्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, जहाँ पे आप साइन अप करके अपना यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टास्क और उसके अर्निंग सामने यहाँ पे लिखी हुई है। ये आप टास्क कंप्लीट करेंगे, सर्वे करेंगे तो आपको 0.30 आपको यहाँ से रिवॉर्ड इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको डिफरेंट टास्क यहाँ पे इसके दे दिए गए हैं। उसके बाद आपने सिंपली दोबारा 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने सर्वे अर्निंग अर्न पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप डिफरेंट
आपको टास्क दे दिए जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी दे दी जाती है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने इन सब को चेक कर लेना है, इन सब से को यूज़ कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं आपको बताता हूँ आपका इसके आप अर्निंग डबल कैसे कर सकते हैं इन ऐड को और टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ। आपको एक और अर्निंग का मेथड बताता हूँ। तो आपने सिंपली थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आपने सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आपके सामने यहाँ पे अकाउंट बैलेंस आपका शो हो जाएगा, ठीक है। और आपने फिर और नीचे आना है। उसके बाद आपको नीचे आते जाना है, आते जाना है। और यहाँ पे आपको रेफरल का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरल का ऑप्शन। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे रेफरल के ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ पे रेफरल के ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे प्रमोशन टूल का ऑप्शन है। आपने सिंपली प्रमोशन टूल पे क्लिक कर देना है। प्रमोशन टूल क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये आपका रेफरल लिंक, आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है सेलेक्ट करके और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर देना है। जो भी आपके इस लिंक से अकाउंट क्रिएट करेगा, अर्निंग करेगा, उसकी कमीशन उसको भी मिलेगा और आधा कमीशन आपको आपको भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट बैनर्स दे दिए गए हैं जिनके यूआरएल हैं, जो आप यहाँ से कॉपी करके भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का HTML कोड यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर इनके ऐड लगा के भी यहाँ रेफरल के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको मैं विड्रॉ का ऑप्शन बता देता हूँ। विड्रॉ आप कैसे करना है, आपने सिंपली थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, अकाउंट पे आ जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस शो हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे विड्रॉ हिस्ट्री दे दिया गया है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका बैलेंस इनफ है 0.15। ये बहुत कम बैलेंस पे आपको विड्रॉ देते हैं 0.15। जब आपके हो जाएंगे तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। और या वर्किंग डेज में मंडे टू फ्राइडे आप इसका विड्रॉ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली मैं आपको बताता हूँ। आपने थ्री डॉट्स पे दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे और मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको विड्रॉ के प्रूफ बताता हूँ कि आप देखेंगे कि यहाँ से पाकिस्तानी भी कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने टास्क लिस्ट पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा टास्क लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लेम योर एक्टिविटी बोनस आपको यहाँ पे हर 24 घंटे के बाद दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपकी हिस्ट्री बता दी जाती है कि आपने कितने ऐड वॉच किए हैं, कितना आपको बोनस मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर कितनी कितनी अर्निंग कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी है कोई, जो यहाँ से तकरीबन 66 point something यहाँ से अर्निंग कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं हलील नाम का, ये भी एक पाकिस्तानी है, ठीक है, जो यहाँ से अर्निंग कर चुका है, कर रहे हैं। यहाँ से आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के ये देखें यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, जिनके आपको यहाँ पे विड्रॉ पे जो बता दिए हैं, वीडियो पे ड्रॉप पे रूप भी बता दिए किए हैं, यहाँ पे यहाँ इसको दे भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे $3 पे भी यहाँ पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। ये आज के बता रहे हैं, आज के यहाँ पे हिस्ट्री बता रहे हैं, आज कितने कितने बंदों ने यहाँ से विड्रॉ लिया है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत कम वक्त लगा के ये डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करके ईजीली यहाँ से आप $5 ये और 36
$35 या $5 $6 जितना आप अर्निंग करेंगे उतने आपको यहाँ से अर्निंग मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने विड्रॉ कैसे लगाना है, विड्रॉ का वॉलेट कैसे इंटर करना है, तो सिंपली इसको बैक कर देना है। सिंपल इसको बैक करने के बाद आपने आप दोबारा थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद अकाउंट में आ जाना है। अकाउंट पे आने के बाद आपने सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग आपको यहाँ पे आपका अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। ये देखें आपका ये अकाउंट की डिटेल है। ठीक है, ये आपका यूज़र नेम वगैरह है। आपने सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली नीचे आपने यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट मेथड होगा आपने सिंपली, अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन, लाइट कॉइन, पेरियर, परफेक्ट मनी, ये देखें परफेक्ट मनी का भी ऑप्शन है, पेयर का भी ऑप्शन है, परफेक्ट मनी में आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे उसका आईडी डालेंगे। ठीक है, पेमेंट मेथड इसका डालेंगे, पेयर का आईडी यहाँ पे डालेंगे, बिटकॉइन का एड्रेस अगर आप बिटकॉइन में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बिटकॉइन इंटर करेंगे, बिटकॉइन का एड्रेस इंटर करेंगे। उसके बाद लाइट कॉइन में लेना चाहते हैं, फोकसट में लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या पेमेंट मेथड यहाँ पर चूज़ करके यहाँ सिंपली आपने विड्रॉ लगा देना है। अगर आप जेजी पैसा और जैश कैश के में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप परफेक्ट मनी का अकाउंट होना आपके पास ज़रूरी है या पेयर का अकाउंट होना आपके पास ज़रूरी है। परफेक्ट मनी का अकाउंट बनाने का तरीका मैंने अपने आप इसी चैनल ने मेरे वीडियोस वॉच कर सकते हैं। वीडियो मैंने परफेक्ट मनी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है मैंने इस आपको इसी अपने चैनल में बताया हुआ है। आप सिंपली मेरे चैनल पर विज़िट करें और वहां से परफेक्ट मनी की वीडियो देख लें। मैं वीडियो परफेक्ट मनी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आप परफेक्ट मनी का अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली यहां पे अपना परफेक्ट मनी का अकाउंट की आईडी डालेंगे, पेन की आईडी डालेंगे। ठीक है, और आप इसका जब आपको विड्रॉ आपके परफेक्ट मनी या पेयर के अकाउंट में मिल जाएगा तो आप सिंपली उससे इजी पैसा और जैश कैश में इसका विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इनके अर्निंग के मेथड यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। इस चैनल पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।